हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है? बिजी लग रहे हो। अरे कौन बोल रहे हो? जी हम सिराज बोल रहे हैं। हाँ बोलो जी, आप बात तो कर सकते हो ना? जल्दी बोलो ना यार, जो भी बोलना है। मैं है ना परेशान हो गया हूँ। अच्छा किस बात से? घर वालों से। अच्छा कंजूस पनी की हद कर दी है, मतलब एक तो मेरे दादाजी की तरफ से हैं, नाना जी की तरफ से भी पूरे कंजूस हैं। अरे भाई मुझे क्या लेना देना है इन सब बातों का? ये एक सेकंड रुक जाना यार, तू उनकी फितरत तो समझ ले। लेना देना कुछ नहीं है, समझ तो ले किस टाइप के लोग हैं जिंदगी में। चल बोल। ये एक सेकंड रुक, मेरे पापा कल मेरे को 2 थप्पड़ मारा। अच्छा घंटा? अच्छा पूछ तो पहले क्यों मारा। क्यों मारा? उन्होंने मेरे को बोला कि एक साथ 2-2 सीढ़ियाँ चढ़ाकर चप्पल कम घिस जाएगी। कंजूस हैं, कहते हैं एक साथ 2-2 सीढ़ियाँ चढ़ाकर। मैंने 4-4 सीढ़ियाँ चढ़ा, उन्होंने फिर थप्पड़ मार दी। क्यों? क्योंकि पायजामा फट गया, उसका अलग खर्चा। सुनते हो, मेरे चाचा जी केला खरीदने गए। अच्छा घंटा, अच्छा बात तो सुन ले पूरी। अच्छा बोल रहा है, केला खरीदने गए। केले वाले से पूछा केला कितने का है। केले वाले ने बोला 3 रुपए का है। अच्छा चाचा ने बोला 1 रुपए का दे। वो कहता है 1 रुपए में तो बस छिलका आएगा। फिर पता है चाचा जी ने क्या किया? पटक से 2 रुपए दे दिया। ये ले छिलका रख, केला दे। मेरे फूफा जी ऊपर छत पर एंटीना बराबर कर रहे थे, नीचे गिर गए। अच्छा घंटा, अच्छा अच्छा बोल रहा है, गिरते वक्त जब खिड़की के पास से गुजरे तो बुआ जी खाना बना रहे थे, गिरते हुए बोले आज मेरी रोटी मत बनाइयो। अच्छा मत भूल बेटा। मूसा जी, मेरी मूसी जी का हाथ काट रहे थे ब्लेड से। अच्छा घंटा, अच्छा किसी का हाथ काट रहा है तो अच्छा बोल रहे हैं। अरे रिएक्ट कर रहा हूँ मैं। एक सेकंड रिएक्ट कर। मूसी ने पूछा मेरा हाथ क्यों काट रहे हो? कहते हैं कि डिटोल की बोतल मेरे हाथ से नीचे गिरकर फूट गई, बर्बाद ना हो जाए इसीलिए इसको काट कर इसी पे लगा दूं। क्या बात कर रहा है। मेरे दादाजी टूथब्रश लेने गए, दुकानदार से बोला ब्रश दे दो, मेरे ब्रश का एक बाल टूटने वाला है। एक बाल टूटने वाला है तो पूरा ब्रश लेने की क्या जरूरत है? यही बात दुकान वाले ने भी पूछा। हाँ तो उसने क्या बोला? उसने नहीं, उन्होंने, दादाजी हैं औकात में रहे। तेरी दादाजी के तो तू आगे बता। एक मिनट, तो दादाजी से उसने बोला कि एक बाल की वजह से, तो दादाजी ने बोला वही तो ब्रश का आखिरी बाल था तो खरीदना पड़ेगा ही ना। मेरे नाना जी मरने वाले थे। मेरे नाना जी आखिरी सांस में उन्होंने आँख खोली, नानी जी से बोला बेटा कहाँ है? कहते हैं कि यहीं पर खड़ा है। कहते हैं बहू कहाँ है? बोलती है ये देख बगल में खड़े हैं। बोलते हैं पोता पोती? बोलती है बगल में खड़े हैं। हाँ। वो कहते हैं जब सब यहाँ पर हैं तो पीछे कमरे का फैन क्यों चल रहा है? सुबह सुबह क्या मजाक कर रहे हैं? एक और सुन ले। अरे नहीं सुनी तेरी बात। चल चलो वो रख दिया, मैं आप लोगों को एक सुनाता हूँ, सुनना चाहो तो सुन लो। मेरे दूर के रिश्तेदार में मामू का बेटा जियो सिम निकल गया। मेरे मामू ने कॉल सेंटर को फ़ोन लगा के पूछा मेरा बेटा गलती से जियो सिम निकल गया है और उसमें मैंने 99 का रिचार्ज करवाया था, क्या वो बात करने पर बैलेंस ख़त्म होगा क्या? तो कॉल सेंटर वाले ने भी कॉल कट कर दिया। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। सब्सक्राइब करने से मेरा आने वाला वीडियो आप डायरेक्ट देख सकते हो। आपका अपना SM सिराज। प्लीज सब्सक्राइब SM सिराज चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करो। प्लीज सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब मारे। प्लीज सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब SM सिराज चैनल। सब्सक्राइब करिए SM सिराज के चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। प्लीज सब्सक्राइब SM सिराज चैनल। Please subscribe SM Siraj. Please subscribe. Please subscribe SM Siraj. केले वाले ने बोला 3 टिके हो। दुकानदार से बोला ब्रश दे दो, मेरा एक बाल टूटने वाला। एक ब्रश दे दो, ब्रश के बाल।
तो दादाजी ने बोले वही तो दादाजी ने प्लीज सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब हो जाए प्लीज सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब My YouTube channel, SM Siraj.